छोड़ते समय भी आप ध्यान रखिए, खूब गहरी सांस छोड़ना है, सभी लोग अभी शायद तैयार नहीं हो पाए हैं, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए। खूब लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर अंदर तक जाते हुए देखिए। थोड़ा सा और ध्यान दे पा रहे हैं, और ध्यान से देखिए। अब अपनी सांसों को देखते समय जो आप बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारा तनाव दे रहे हैं देखने के लिए, उसको खत्म कर दीजिए। बहुत आसानी से देखिए उसको, बहुत प्रेम से देखिए। आपका शरीर चलाने वाली प्राण वायु किस तरह से ट्रेवल करती है उसको देखिए, खूब आनंद के साथ देखिए। अपनी सांसों को देखते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। आंखें बंद, हमारा संवाद हमारे अपने साथ, सिर्फ अपने आप को देखना है। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। ओके, हमने कोशिश करा है कि हमारे मन को हम कंडीशन कर पाए। कुछ लोग शायद देर से जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम समय पर जुड़ जाएं, क्योंकि यदि हम अपने शरीर और मन को कंडीशन नहीं कर पाए तो आगे के प्राणायाम में हम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कल से सभी कोशिश करें, आप बहुत सही समय पर हैं। ये सिर्फ 5 मिनट का हमको मैनेज करना है, और ये 5 मिनट जैसे ही हम मैनेज करते हैं हमारा पूरा दिन मैनेज हो जाता है। तो कोशिश करें हम कल से कि हम 4:55 पर इस मीटिंग को ज्वाइन कर लें। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपने लंग्स को, जिसको कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य रखने की। लंग्स के लिए हम 2 छोटे-छोटे से प्राणायाम करेंगे, और उसमें हमको करना ये है कि अपने लंग्स को ऊपर की तरफ एक्सपांड करना है, और साइड में एक्सपांड करके उसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम भर सकते हैं उतना भरने का प्रयास करना है। उसमें सबसे पहले आप आपके हाथों को जो है इस तरह से कंधे पर रख लीजिए। आप ये बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, जिसको जैसा कंफर्टेबल है। चूँकि मैं कैमरा के सामने हूँ और अपनी पोजीशन बहुत सारी बार चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको बैठ के कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो आप खड़े रहकर भी इसको कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार आपको विधि समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको मेरे साथ में करना है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं बोलूँगा कि छोड़िए सांस, तो खूब ज़ोर से सांस छोड़ना है आवाज़ के साथ, और हाथों को इस तरह से ढीला छोड़ देना है। उसके बाद जब बोलूँगा आइए भरते हुए सांस, तो सांस खूब जोर से आवाज के साथ 4 सेकंड में हमको सांस भरना है। मैं बता दूँ आपको एक बार, अब जब हमारे हाथ यहाँ पर आ जाए तो कोशिश करना है, ये मैक्सिमम हमने ऊपर ले लिया है, कोशिश करना है कि थोड़ा सा और ऊपर ले पाए हम, अपने लंग्स को थोड़ा सा और ऊपर की तरह एक्सपांड कर पाए, और खूब जोर से सांस भरते हुए आना है। अब छोड़ते हुए जब जाएंगे हम, तो भी आवाज़ के साथ, सांस धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, आवाज़ के साथ पूरे 3 से 4 सेकंड कोशिश करना है कि हम इन सांसों को छोड़ पाए। अब जब हम इस प्राणायाम को करेंगे तो ये हमको खुद ही बताएगा कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है। हमारे शरीर की स्थिति को समझने के लिए
आपको जब आप सांस लेते हुए जाएंगे तो कितने सेकेंड तक उसकी सांस की आवाज आ रही है, उसके बाद में बिना आवाज के हम हाथों को ऊपर लेते जाएंगे और सांस जाती जाएगी, सांस नहीं रुकेगी। परंतु आपको ये पता चल जाएगा कि मैं 4 सेकेंड तक सांस आवाज के साथ ले पाया, 6 सेकेंड तक ले पाया, 5 सेकेंड तक ले पाया, 2 सेकेंड तक ही ले पाया। ये आपको आपके लंग्स की स्थिति बताएगी। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप इसको आपके लंग कितने मजबूत हैं। ओके, तो हम शुरू कर सकते हैं। ले लीजिए हाथ यहाँ पर। अब जब मैं बोलूँ सांस छोड़िए तो खूब अच्छे तरह से जोर से सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ना है। छोड़िए सांस। ओके, आइए आप खूब जोर से भरते हुए और खींचने की कोशिश कीजिए ऊपर। भरिए सांस और ओके, जोर से सांस छोड़ते हुए आए आवाज के साथ में। फिर से भरिए, आवाज को चेक करते रहिए अपनी, कितने सेकेंड तक आपके सांस की आवाज जोर से आ पाई। छोड़िए सांस जोर से, आवाज के साथ छोड़ते हुए जाइए। फिर से भरिए, छोड़िए फिर से, भरिए फिर से जोर से आवाज के साथ और ऊपर ले जा पा रहे हैं हाथों को थोड़ा सा और भर पा रहे हैं सांस। आइए छोड़ते हुए जोर से आवाज के साथ छोड़ते हुए आइए, पूरा पेट तक खाली कीजिए सांस को। फिर से भरिए जोर से और थोड़ा सा हाथ उठाइए ऊपर। आइए छोड़ते हुए आखिरी बार खूब जोर से भरते हुए आइए। आइए और जोर से और उठाइए हाथों को, छोड़ते हुए जाइए नीचे। ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब हमने इसमें पहली बार क्या करा है, हमारे लंग्स जो है उनको ऊपर की तरफ हमने एक्सपांड करा। दिन भर जैसे बीकर में हम सामान भर देते हैं दबा दबा के, ऐसा गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको नीचे की तरफ खींचता है और हमारा लंग्स भी स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ दब जाता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन भराने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जब हम उसको ऊपर की तरफ खींच के उस बीकर को बड़ा कर लेते हैं, उस जार को बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा ऑक्सीजन दे पाते हैं। ओके, और हमारे लंग्स के लिए ऑक्सीजन का कितना महत्व है आप सभी को मालूम है। ओके, दूसरा जो प्राणायाम है उसमें हम इस तरह से मुद्रा बनाएंगे। इसमें मैंने अपने सीने पर कुछ भी दबाया नहीं है, सिर्फ मुद्रा है ये। ओके, अब मैं बता दूँ हमको करना क्या है, एक बार देख लीजिए फिर मेरे साथ करना शुरू करना। अब हम हमारे हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए जोर से, और जितना ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं अपने लंग्स को साइडवर्ड उस तरह से एक्सपांड करेंगे, और वैसे ही जोर से सांस छोड़ते हुए हम वापस उसी मुद्रा में आएंगे। ओके, तो मुद्रा बना लीजिए, रख लीजिए इस तरह से। इसमें भी प्रक्रिया वही है कि हमको जोर से सांस लेते हुए जाना है, सांस की आवाज़ आती रहे आपको। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपकी आवाज़ 2 सेकेंड तक आई, 3 सेकेंड तक आई या 6 सेकेंड तक आई। जब आप फाइनली यहाँ पर ले जाएं तो कोशिश करना थोड़ा सा और खींच पाए हाथों को, और फिर जब छोड़ते हुए आना है तब कोशिश करना है कि आप जोर से सांस छोड़ते हुए पूरा पेट तक खाली करते हुए और यहाँ पर आए। पूरी सांस खाली करना है जोर से, पूरी सांस भरना है। ओके, मुद्रा बना ली आपने, नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि सांस छोड़ दीजिए, तब पूरी तरह से हमको सांस खाली कर देना है। ओके, छोड़िए सांस, आइए भरते हुए जोर से और खींच पा रहे हैं हाथों को थोड़ा सा, भरिए सांस और आइए छोड़ते हुए जोर से, सांसों की आवाज आती रहे। फिर से
भरिए जोर से और खींचिए थोड़ा सा हाथों को पीछे, सांस भरिए थोड़ा सा और सांस छोड़ते हुए आइए, छोड़िए जोर से और जोर से भरिए, फिर से जोर से भरिए सांस, ले जाइए हाथों को पीछे और जोर से भरिए, जाइए सांस छोड़ते हुए, जोर से सांस की आवाज आना चाहिए, भरिए जोर से, आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से भरिए आवाज के साथ, हाथ पीछे ले जाइए, बढ़ते हुए पीछे ले जाइए हाथों को और जोर से भरिए, यहां पर एक बार और सांस भरिए, आइए छोड़ते हुए आवाज के साथ, आखिरी बार भरिए जोर से, आइए छोड़ते हुए, ओके। अब जो अगला प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मैं उस प्राणायाम को आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करें कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए और नॉर्मल ब्रीथ कर पाए। 3 से 4 सेकंड की एक सांस लीजिए, 3 से 4 सेकंड में छोड़िए और अनुलोम विलोम की पूरी प्रक्रिया समझने तक आप अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। 4 सेकंड 3 सेकंड की एक सांस लेना है, 4 सेकंड 3 सेकंड की एक सांस छोड़ना है, ओके। अब इसमें हम इस तरह की मुद्रा बनाते हैं, आप यदि इस मुद्रा में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई सी भी 2 उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमको 1 नाक को दबाना है, फिर 2 नाक को दबाना है, इस तरह से आप कोशिश करें ये इस तरह से मुद्रा बना पाए, सबसे अच्छा है। इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि अभी आपका कौन सा सुर चल रहा है। सुर चल रहा है से मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर पास में ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे जोर से नाक से, तो 1 नाक से गर्म हवा आएगी और 1 नाक से गर्म हवा नहीं आएगी। तो जहां से गर्म हवा आ रही है उस नाक से हमको शुरू करना है, सिर्फ ये कहां से शुरू करना है उसके लिए है, ओके। उसके बाद में सपोज कि मेरा ये दाहिना सुर चल रहा है तो मैं बाईं तरफ की नाक को बंद कर लिया हूं इस तरह से अंगूठे से, और 3 सेकंड की एक गहरी सांस लूंगा, बहुत जोर से नहीं लेना, बहुत धीरे धीरे नहीं लेना, नॉर्मल ब्रीथ 3 सेकंड की मैंने लिया, और 3 सेकंड लेने के बाद में जब सांस ऊपर जा रही थी मेरी, तभी मैंने इसको इस तरह से दोनों उंगलियों से दोनों नाक हमारी बंद कर ली। अब इस पोजीशन में हमको 12 सेकंड तक हमारी सांस को रोक के रखना है, मतलब इन दोनों उंगलियों से हमको नाक को दबा के रखना है। उसके बाद में जिस तरफ से हमने सांस ली थी उस तरफ की नाक को इस तरह से खुलना है और 6 सेकंड में हमको सांस छोड़ना है, खूब अच्छी तरह से 6 सेकंड में हमको खाली करना है। अब जो नाक खुली हुई है उससे 3 सेकंड में फिर से हमको सांस भरना है बड़े आराम से, और जब हमारी सांस ऊपर जा रही है तभी हमने दोनों नाक को बंद कर लेना है। 12 सेकंड तक हमको रोक के रखना है, 12 सेकंड के बाद में धीरे से दूसरी तरफ की नाक को खोलना है और 6 सेकंड में हमको धीरे धीरे पूरी सांस को रिलीज करना है। मतलब इसका रेशो क्या है, 1:4:2। यदि आप 4 सेकंड सांस लेंगे तो आप 16 सेकंड रोकेंगे और 8 सेकंड में छोड़ेंगे, परंतु हम बहुत ही बिगनिंग से कर रहे हैं तो बिगनिंग में 3, 12, 6, ओके याद रखेंगे इसको, 3, 12, 6, 3 सेकंड में एक तरफ से सांस लेना है, 12 सेकंड नाक बंद रखना है, 6 सेकंड दूसरी तरफ से सांस छोड़ना है। जब पूरी सांस छोड़ लेंगे हम तब उधर से ही वहीं से हमको 3 सेकंड की एक सांस लेना है, 12 सेकंड फिर से बंद रखना है और फिर 6 सेकंड में दूसरी तरफ से छोड़ना है, ओके। तो अब इसको हम एक नाक से जब सांस लेके छोड़ेंगे, दूसरी नाक से लेके छोड़ेंगे तो एक सेट होगा, हमको कोशिश करना है कि हम 3 सेट लगा पाएँ। इसमें
ऐसा हो सकता है कि कोई 12 सेकंड नहीं रोक पाए, 8 सेकंड रोक पाए, 10 सेकंड रोक पाए, सब अपनी अपनी कैपेसिटी से करिए, आराम से करिए, पर बहुत आराम से हम सब लोग 12 सेकंड सांस रोक पाएंगे। ओके, कर सकते हैं स्टार्ट। मुद्रा बना लीजिए, इस तरह से चेक कर लीजिए कि कौन सा सुर चल रहा है। इस तरह से आपका जो भी सुर चल रहा है उस तरह से सांस लेना शुरू करना है। तो अपोजिट साइड वाली नाक की तरफ को दबा लीजिए, सांस छोड़ दीजिए खूब अच्छी तरह से, लीजिए 3 सेकंड की सांस, 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। ऑब्जर्व कीजिए कि आपके मुंह से सांस नहीं रिलीज हो रही हो, नाक से सांस रिलीज नहीं हो रही हो। 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से 6 सेकंड में, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, 4 5 6, फिर से लीजिए 3 सेकंड, 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दूसरी तरफ से छोड़ना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, खूब अच्छी तरह से 6 भरिए, फिर से 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दूसरी तरफ से छोड़ना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए यहाँ से, 1 2 3, बंद कर लीजिए नाक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से खूब अच्छी तरह से छोड़िए, 3 4 5 6, भरिए फिर से, 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए दूसरी तरफ से, 2 3 4 5 6, ओके। आप सभी ने छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए। आप ऑब्जर्व कर पाए कि हमने दोनों नाक के तरफ से लेना और छोड़ने का एक सेट में 3 सेट लगा पाए कि नहीं लगा पाए। चलिए, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपना पूरा ध्यान आप इस बात पर रखिए कि आप ये देख पाए कि हमने कितने सेट लगाए हैं। जब आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड काम करेंगे तब आपको बाहर के किसी भी तरह के कोई विचार नहीं आएंगे, आप अपने आप को ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो अभी हमने शुरू में कंडीशन करा है अपने आप को। मैं ये चाहता हूँ कि कल जब हम इकट्ठे हों तो मुझे आपको सिखाना नहीं पड़े, हम ये जो प्राणायाम है इसको थोड़ी ज़्यादा बार कर पाएँ। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहली बार हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, हमने कंडीशन किया, दूसरा हमने अपर वर्ड इसको लंग्स को एक्सपॉन्ड किया, फिर साइड वर्ड एक्सपॉन्ड किया और उसके बाद में अनुलोम विलोम किया। ओके, अगला जो हमको प्राणायाम करना है वह भस्त्रिका। भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो होता है हमारे डायाफ्राम पेट से, जहाँ पर मैंने हाथ रख रखा है, यहाँ से सांस छोड़ना और लेना दोनों होता है, परंतु इसका जो असर है वो हमारे ब्रेन पर है, हमारे ब्रेन की सफाई के लिए है ये, और हमारे ब्रेन से लगा के ये जितना भी हमारा ऊपर का है जो सर्दी में पूरा जाम हो जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है।
तो हमारी प्रक्रिया यहाँ से होती है सांस से और पेट से, परंतु इसका पूरा हमको ध्यान जो रखना है वो हमारे फोरहेड पे। एक बार आप पूरी प्रक्रिया देख लीजिए, फिर हम साथ में करना शुरू करेंगे। इसमें वैसे ही हम सुखासन में बैठे हैं, पीठ कमर को हमने सीधा कर लिया है और एक हाथ हमारा जो है हम पेट पे रख लेते हैं। इसमें हमको आंखें बंद रखना जरूरी है क्योंकि हम देखने क्या वाले हैं, हमारे इस पूरे फोरहेड में क्या हो रहा है हम उसको कोई भी शब्द दे सकते हैं, चाहे हम उसको झंझनाहट बोले, चाहे वाइब्रेशन बोले, आप जो भी शब्द, कंपन, जो भी शब्द आप समझते हैं उसमें वो समझिए कि हमारे फोरहेड में क्या हो रहा है अंदर। तो इसलिए हमको आंखें बंद करना जरूरी होता है। इसमें पेट पर हाथ इसलिए रखते हैं कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए इस तरह से, जब सांस भरते हैं हम तो ऊपर आता है। तो ये हाथ हमारा ये बताता है कि हम अपने सांस की प्रक्रिया को सही तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बार पार्टिसिपेंट ये बोलते हैं कि सर हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आ रहा है, जबकि आप सोचिए कि यदि फुग्गे में से हवा निकालेंगे तो स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा, फूलेगा नहीं, और जब उसमें हवा भरेंगे तो फूलेगा। एक सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के अगेंस्ट हम सांस लेते हैं तो हम इस मस्तिष्क को जो है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो पहली कोशिश हम 10 बार ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमने जब सांस छोड़ी तो हमारा पेट अंदर गया, जब हमने सांस को भरा ऊपर आया। इस पूरी प्रक्रिया में सांस की आवाज़, जब हमारी सांस की आवाज़ आना बंद हो जाए उस समय हमको रुकना है। कोई 20 भस्त्रिका का एक बार कर लेता है, कोई 40 कर लेता है, कोई 80 कर लेता है, अपनी अपनी कैपेसिटी और प्रैक्टिस के हिसाब से। अब जब तक आपकी सांसों की आवाज़ आ रही है आप उसको प्रॉपर कर रहे हैं, जब सांसों की आवाज़ आना बंद कर लें, बंद हो जाए, तब आराम से आँख बंद करके हमको अपने फोरहेड को देखना है। हमारी आँखें बंद ही रहेंगी पूरे टाइम, ओके। सिर्फ हमारी सांस की आवाज़ हमको ये बताएगी कि हमको कब रुकना है, जब हमारी सांस की आवाज़ आना बंद हो जाए हमको रुक जाना है, ओके। तो एक बार 10 बार हम क्या ट्राई करेंगे, आंखें बंद करके सांस छोड़ेंगे पेट अंदर, सांस भरेंगे पेट बाहर, खूब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पूरा ध्यान क्या रखना है हमको, जोर से सांस छोड़ना है, जोर से सांस भरना है। तो इस तरह से आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि सांस छोड़ने पर क्या हो रहा है और सांस भरने पर क्या हो रहा है, ओके। स्टार्ट कर सकते हैं हम, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। हमारा ध्यान पूरा हमारे फोरहेड में क्या हो रहा है उस पर लगाना है, ओके। तीसरी चीज, जब ये 40 खत्म हो जाए, जब 40 की संख्या खत्म हो जाए, आपने टुकड़ों में करा हो, आपने एक साथ करा हो, जिसने भी जिस तरह से भी करा है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में शांति से आंखें बंद रखकर हमको हमारे जो पूरे फोरहेड में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको ढूंढना है हर जगह कहां पर क्या हो रहा है, और जब तक वो शांत नहीं हो जाए तब तक आंखें बंद रखना है। सबके वाइब्रेशन का समय अलग अलग हो सकता है, किसी का जल्दी शांत हो जाएगा, किसी का देर से शांत होगा। मैं खूब आराम से टाइम दूंगा, उसके बाद में जब मैं आपसे बोलूँ कि आँखें खोल लीजिए तो धीरे धीरे आँखें खोलना है, ओके। तो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ओके। इस तरह से पेट पर हाथ रख लीजिए, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए। एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, जोर से सांस छोड़ना है पेट अंदर, फिर खूब जोर से सांस भरना है पेट बाहर, सांसों की आवाज़ के साथ। जब आवाज़ आना बंद हो जाए तब आपको रुकना है और फिर से चालू करना है, 40 बार हमको इसको करना है, ओके। नॉर्मल ब्रीथ, ओके। करिए स्टार्ट,
बंद रखिए, अपने पूरे फोरहेड में जहां जहां भी कोई कंपन, कोई झंझनाहट, कोई वाइब्रेशन है उसको देखते रहिए आराम से। आंखें खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम से अवसर कीजिए, आंखें बंद रखिए, देखिए आपके फोरहेड में क्या हो रहा है, खूब आराम से अवसर कीजिए, बंद रखिए आंखें। जब तक आपका फोरहेड पूरी तरह से शांत नहीं हो जाए तब तक आंखें बंद रखिए। ओके, खोल लीजिए आंखें। ये जो अभी हमने प्राणायाम किए हैं, पांच प्राणायाम किए हैं, अभी तीन चार और करना है आपको, इन सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कल मॉर्निंग में कोशिश करें, रात में कोशिश करें। अनुलोम विलोम आप पूरे दिन कर सकते हैं। रात में यदि आपको नींद नहीं आती है अच्छी किसी को भी किसी भी कारण से, तो आप बिस्तर में जाने के बाद आखिरी काम अनुलोम विलोम कीजिए। आप 10 बार 15 बार 20 बार अनुलोम विलोम करने के बाद में इतनी साउंड स्लीप आएगी आपको कि आपकी यदि नींद नहीं आने की कोई प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। एक दूसरा, यदि किसी को खर्राटे आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप आदत में डालिए कि आप आखिर में सोते समय अनुलोम विलोम के 10 सेट 15 सेट जितनी आपकी कैपेसिटी और समय हो उतने आप लगा लें। ओके, अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति, वो भी ब्रेन की सफाई के लिए है। अभी हमने जो करा था वो था भस्त्रिका। भस्त्रिका में हमने पेट अंदर और बाहर दोनों पर पूरा ध्यान दिया था। जोर से सांस छोड़ा था पेट अंदर गया था, जोर से सांस भरा था पेट बाहर आया था। अब यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, हमको सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना है। जोर से सांस छोड़ना है, आपके फोरहेड में झंझनाहट हो पूरा इस तरह से सांस छोड़ना है, और अब जब आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है सांस छोड़ने पर, लेने पर ध्यान नहीं रखना है, अपना शरीर अपने आप सांस ले लेगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ 10 बार, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे, पहले 10 बार करेंगे उसके बाद में आप उसको ऑब्जर्व कर लें, समझ लें, और उसके बाद में फिर हम 40, 50, 60 जो जिसकी कैपेसिटी है वैसे करेंगे। ओके, तो आंखें बंद रखना है हमको, सबसे पहले पीठ कमर को सीधा रखना है और पूरा पूरा कोशिश करना है कि आपके फोरहेड में पूरी झंझनाहट हो। इतनी ज़ोर से हमको सांसों के माध्यम से छोड़ना है, सांस इतनी ज़ोर से छोड़ना है कि आपके फोरहेड में झंझनाहट हो। सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, आपका पेट अपने आप अंदर जा रहा है, बहुत चिंता नहीं करना है आपको। आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप जोर से सांस छोड़ें और सांस छोड़ने से आपके फोरहेड में झंझनाहट, इस झंझनाहट को आपको कानों के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करना है। आपको कोशिश करना है कि आप पूरे फोरहेड में इसको फैला पाएं। ओके, पहले 10 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में एक्चुअल करेंगे हम जितनी बार जो अपनी कैपेसिटी से कर पा रहा है। ओके, तो पीठ कमर को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग जब मैं आपसे बोलूँ स्टार्ट कीजिए तो सिर्फ सांस छोड़ना है, नाक से इतनी जोर से सांस छोड़ना है कि आपके पूरे फोरहेड में झंझनाहट हो। करिए स्टार्ट, चाहिए ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए किया था, आंखें खोल सकते हैं आप। अब आपको कोशिश करना है
जितनी देर तक आप जितनी जोर से कर पा रहे हैं, बस इसका टेस्ट क्या है, जब आपकी सांस की आवाज़ बंद हो जाए, जब आप छोड़ रहे हैं पूरी जोर से सांस की आवाज़ आ रहा है, जब 30 पर, 35 पर, 10 पर, 20 पर, 50 पर, जिस पर भी आपकी सांसों की आवाज़ बंद हो जाए, आपको रुक के अपने फोरहेड को देखना है, आंखें बंद रखना है, बिल्कुल भी खोलने की जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, कर सकते हैं स्टार्ट हम। ओके, पीठ कमर सीधी कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए स्टार्ट, जोर से सांस छोड़ते हुए। जिनका भी हो जाए आंखें बंद रखें, अपने फोरहेड को चेक करते रहें, देखिए कहाँ कहाँ वाइब्रेशन से, कहाँ कहाँ झंझनाहट है, ढूंढिए उसको, वॉच कीजिए उसको, ऑब्जर्व कीजिए उसको, खूब आराम से आंखें खोलने की कोई जल्दबाजी मत करिए, आंखें बंद रखिए, ऑब्जर्व करते रहिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ओके, अगला जो प्राणायाम हमको करना है वो है भ्रामरी, और उसमें आपको मैं दो मुद्राएं बता देता हूँ। जो मुद्रा आपको अच्छी लग रही हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस मुद्रा में आपको बैठना है। पहला, इस तरह से उंगलियां, यदि महिलाओं के नाखून बड़े हैं तो शायद वो इस तरह से उंगली नहीं डाल पाएंगी, पर यदि जिनके नाखून बड़े नहीं हैं वो इस तरह से कान में उंगली डाल के पूरा बंद कर लेना है इसको। ओके, कब तक बंद पूरा नहीं करना है, जब तक मैं नहीं बोलूँ कि लीजिए सांस। ओके, नहीं तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो एक मुद्रा तो हुई इस तरह से कान बंद करने की। दूसरी मुद्रा होती है, ये जो हमारे कान का ये नरम वाला हिस्सा, इसको हमने इस तरह से दबाया, दूसरे को भी दबाया, और आंखें बंद करके और आंखों पर इस तरह से हथी अपनी चारों उंगलियां ले ली। दोनों स्थितियां कर सकते हैं आप। इसको दबाने से अक्सर ऐसा होता है कि दर्द होने लग जाता है कान में, इसलिए ये मुद्रा से दर्द नहीं होता है। आपको जो कंफर्टेबल लग रही है वैसा करना है। अगला उसका पार्ट बता दूं मैं, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर हम उसको करेंगे। ओके, तो मैंने ये वाली मुद्रा ली है और इस तरह से कान बंद कर लिए। अब मुझे खूब अच्छी तरह से सांस लूँगा मैं। सांस लेने के बाद में जो भोरा काले भोरे की आवाज़ सबने सुनी होगी, गुंजन सबने सुना होगा, वो गुंजन हमको यहाँ से इस तरह से सांस छोड़ना है कि वो गुंजन हमारे यहाँ फोरहेड में भोरे की गुंजन अपने आप आएगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस समय आपको कोशिश करना है कि हमारा पूरा ध्यान हमारी ये दोनों भो जो है इसके बीच में यहाँ पर हम अपना ध्यान ला पाए। तो एक बार मैं करके बताता हूँ, उसके बाद में हम साथ में करेंगे। ओके, इस तरह से मैंने बंद कर लिया। अब सांस लेते लेने जैसा ही बोलो सांस लेना है, तो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ लीजिए सांस, तो मैं इसको पूरा बंद कर दूंगा। लीजिए सांस, इसको तीन बार हम करेंगे। सब लोगों का समय अलग अलग हो सकता है। आपके कान बंद हैं, आपको बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप जब सांस खत्म हो जाए तब दूसरी सांस भरिए, फिर से गुंजन, फिर जब खत्म हो जाए फिर से सांस भरिए और फिर से गुंजन। जब पूरे गुंजन तीन हमारे खत्म हो जाए, तीन बार भ्रामरी हो जाएगी, उसके बाद में आंखें बंद करके
उंगलियां बाहर निकाल लेना है और अपने फोरहेड को शांत होने देना है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। यदि किसी को दूसरी मुद्रा में करना है तो वैसे कर सकते हैं। कान में अभी उंगलियां पूरी मत दबाइए, जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि सांस लीजिए भर के, तब तक पूरा मत दबाइए, अदरवाइज आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ओके, लीजिए भर के सांस, आंखें बंद रखते हुए। फिर से लीजिए सांस, आइए फिर से। फिर से लीजिए भर के आखिरी बार खूब अच्छी तरह सांस, आइए। ओके, आंखें बंद रखिए। जब तक आपका फोरहेड शांत नहीं हो जाए तब तक आंखें बंद रखिए, शांत होने दीजिए अपने फोरहेड को, ऑब्जर्व करते रहिए उसको। अब हम आज का हमारा आखिरी प्राणायाम जो है ओम चैंटिंग, वो एक बार करेंगे। पहले मैं आपको उसका तरीका बता दूँ, एक बार पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद में हम साथ में करेंगे। तो ओम चैंटिंग के लिए भी हमारी जो पोजीशन है बैठने की, वो पीठ कमर सीधी, इस तरह से दोनों हाथ हमारे घुटने पर, और कोहनियों को ढीला छोड़ना है, जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ दिया हमने। और उसके बाद में आंखें बंद है हमारी। यदि हम 3 बार करेंगे ओम चैंटिंग तो पूरे टाइम हमारी आंखों को बंद रखना है। ओके, अब हम मैं एक बार आपको सबको अच्छी तरह से देख लीजिए, आप मैं बता देता हूँ प्रक्रिया, फिर हम साथ में करेंगे। खूब लंबी गहरी सांस लेना है, उसके बाद में 10 10 और 80% मतलब हम अलग अलग भाग करें, आ उ और म, आ उ और म से मिलके बना है ओम। तो 10% आ पेट से, 10% उ हमारे सीने से, और ये वोकल कार्ड से, बाकी का म 80% जाएगा। ओके, मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको। सांस लिया मैंने, इस समय हमको ध्यान में रखना है कि हमारा पूरा ध्यान यहाँ पर हमारी भुवों के बीच में जो जगह है वहाँ पर हो। कोशिश करें हम वहाँ पर ओम की आकृति को देख पाएँ, नहीं देख पाए कोई बात नहीं, जो भी आकृति आ रही हो उसको आने दीजिए, चिंता मत कीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे, जब 3ों बार की ओम चैंटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आंखें बंद रखेंगे। जब आपका फोरहेड शांत हो जाए, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का फोरहेड शांत होगा, तब इस तरह से हाथों को मलना है और इस तरह से आंखों पर रख लेना, रगड़ना नहीं है, आंखों पर रखना है और इसकी गर्मी में आंखों को धीरे से खोल लेना है। आंखों को खोलने के बाद में हम धीरे से अपने हाथ हटा देंगे।
ओके पूरी प्रक्रिया, पहले पीठ कमर सीधे रख के बैठना है, हाथ कोहनियों को ढीला छोड़ना है, आंखें बंद करके सांस लेना है 10% पेट से, 10% सीने से और बाकी का 80% अपने वोकल पार्ट से। पूरा ध्यान हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र। ओके तो 3 बार हम करेंगे, किसी का लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, अपने आराम से अपनी कैपेसिटी से कीजिए। जब 3 बार हो जाए, जब आपका फोरहेड शांत हो जाए, तब इस तरह से हाथ मिल के उसकी गर्मी में हमको खोलना है। ओके कर सकते हैं स्टार्ट। ओके पीठ कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, लीजिए भर के सांस, आइए फिर से भरिए सांस। एक बार फिर से भरिए खूब अच्छी तरह से, आइए फिर से, अपनी आंखें बंद रखिए, ऑब्जर्वेशन पूरा फोरहेड में, कहां पर किस तरह से क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं देखिए उसको आराम से। आपका फोरहेड यदि शार्प हो गया हो तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए। आंखों पर रख लीजिए और इसकी गर्मी में धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ओके तो आज हमने हमारे लंग्स, ब्रेन और हार्ट तीनों के लिए जो बहुत उपयोगी प्राणायाम है, बहुत ही सामान्य व्यक्ति जिनको कर सकता है, हर सामान्य व्यक्ति, वो स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, थोड़ा सा अस्वस्थ हो, कैसा भी हो, वो इन सारे प्राणायाम को कर सकता है। और आप कोशिश करें कि आप इसको रात को, कल सुबह 1-2 बार रिपीट कर पाएँ, ताकि कल जब हम ये प्राणायाम करें तो हमारा सीखने का जो समय था वो माइनस हो जाए। कोशिश करें कल 4:55 पे आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ताकि कंडीशन से ही हम शुरू कर पाएँ।